सो हेलो गाइस, मैं हूं सोमोजित एंड वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, अभी आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है, अभी मेरे सामने खड़ा हुआ है ब्लैक कलर में 4x4 टोयोटा फॉर्चुनर, और आज मैं इसका एक फुल डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सो अभी गाइस, इसके पहले वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिल जाता है, ठीक है, 4x2, 4x4, लेजेंडर एंड GR स्पोर्ट। और गाइस, इसमें आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, ठीक है, दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसमें आपको कंपनी ने ऑफर किया है। सो अभी पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे 2 कीज कंपनी ऑफर करता है, ठीक है, विथ लॉक अनलॉक एंड टू एक्सेस द रेयर बूट। और आपको यहाँ पर पीछे में फॉर्चुनर का बैजिंग मिल जाता है और एक फॉर्चुनर का लोगो टाइप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, लुक्स आप देख सकते हो, काफ़ी मस्कुलर लुक्स आपको यहाँ पर टोयोटा फॉर्चुनर में देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स कंपनी ने ऑफर किया है, ठीक है, विथ LED DRL। और गाइस, इनका जो थ्रो है नाइट में वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। क्रोम फिनिश एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर फ्रंट ग्रिल देखने के लिए मिल जाता है। इस ग्रिल की वजह से गाइस, इसका जो लुक्स है वो आपको और भी मस्कुलर देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आपको यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के साथ टोयोटा का लोगो दिया गया है। और गाइस, और इसका जो फ्रंट का जो बम्पर है, ठीक है, वो आपको, ठीक है, इसमें आपको डुअल टोन का फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, सैटिन सिल्वर फिनिश एंड इन फुल बॉडी कलर। इसमें आपको यहाँ पर डुअल फंक्शनल LED DRLs मिल जाता है, ठीक है, और आपको ऊपर में यहाँ पर इसका फॉग लाइट दिया गया है, ठीक है, ये भी आपको एकदम पूरा प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाता है। और आपको फॉर्चुनर में, ठीक है, इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी कंपनी ने ऑफर किया है। और गाइस, ये है इसका सिल्वर फिनिश में स्कीड प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल गाइस, फॉर्चुनर का जो लुक्स है, ठीक है, वो तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया लुक्स है, ठीक है। और गाइस, ये सभी का एक ड्रीम कार है, ठीक है, टोयोटा फॉर्चुनर। सो लुक्स आप देख सकते हो, ठीक है, लुक्स में तो इसमें कोई भी, ठीक है, मतलब इसमें नो डाउट, ठीक है, लुक्स एकदम आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और ये है फॉर्चुनर का फ्रंट का बोनट, ठीक है, इसमें आपको क्रीज लाइंस मिल जाता है। और आपको फॉर्चुनर में डुअल वाइपर विथ अ डुअल वॉशर का इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, ये सब गाइस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल लुक्स वगैरह जो है गाइस, वो तो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इसमें आपको डुअल वाइपर्स मिल जाता है। और ये है कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल से लुक, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। और गाइस, ये है टोयोटा फॉर्चुनर का साइड प्रोफाइल से लुक। इसमें आपको ऑल 4 वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है गाइस। और इसका जो व्हील बेस है, ठीक है, वो है 2745 mm का, इसमें आपको व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 220 mm का, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ये है कुछ अलॉय व्हील्स, ठीक है, टोयोटा फॉर्चुनर का। इनमें आपको 265x60 R18 inch में इसमें आपको मैट सिल्वर फिनिश में अलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यह है गाइस, इसका फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड ORVM विद LED साइड टर्न इंडिकेटर्स। और इनका भी गाइस जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी स्मूथ, ठीक है, ये एकदम पूरा कंट्रोल हो जाता है। साइड डोर ओपनिंग हैंडल इन फुल क्रोम फिनिश, ठीक है। और गाइस, ये है एकदम इसका पूरा A-पिलर, B-पिलर एंड C-पिलर, ठीक है, ये आपको एकदम पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। क्रोम फिनिश में इसमें आपको विंडो लाइनिंग आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको एकदम पूरा क्रोम फिनिश में दिया गया है। ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिल जाता है और आपको इसमें शार्क फिन एंटीना भी कंपनी ने ऑफर किया है। और गाइस, ये जो रूफ रेल्स है, ठीक है, ये आपको नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाता है। और गाइस, ये है इसका फ्यूल फिलर कैप, ठीक है, और आपको फॉर्चुनर में 80 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, ये है कुछ इसका रियर प्रोफाइल से लुक। इसमें भी आपको फुल LED रियर टेल लैंप्स मिल जाता है गाइस। सिर्फ इसका जो रिवर्स लाइट है, ठीक है, वो आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब में दिया गया है। रियर
नंबर प्लेट एप्लिक के ऊपर आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर का बैजिंग मिल जाता है, ठीक है, और आपको टोयोटा का लोगो दिया गया है बीच में। इसमें आपको रियर में वाइपर विथ डीफॉगर का फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 4x4 का बैजिंग, ठीक है, सिग्मा 4 का वहाँ पर बैजिंग मिल जाता है। और गाइज आपको फॉर्च्यूनर में 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, ठीक है, और आपको ऊपर में स्पॉयलर विथ स्टॉप लाइट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज अभी हम लोग इसका इंटीरियर से एक बार पूरा फीचर्स वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और ये है गाइज फॉर्च्यूनर 4x4 का डोर ट्रिम का लुक। इसमें आपको 3 टोन में इसका डोर ट्रिम मिल जाता है, फुल ब्लैक, मैट सिल्वर फिनिश एंड प्रीमियम ब्राउन कलर आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसका जो लेदर का जो अपॉल्ट्री है, ठीक है, वो आपको एकदम एक लाइट ब्राउन कलर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन इसका जो शेड है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है। और आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश में डोर ओपनिंग हैंडल, ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, सेंट्रल लॉक आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, ORVM आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर पाओगे। और गाइस ये है फॉर्च्यूनर 4x4 का डैशबोर्ड का लुक, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 टोन में इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, ऑल ब्लैक, मैट सिल्वर फिनिश एंड लाइट ब्राउन कलर का आपको यहाँ पर एकदम पूरा फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस आपको फॉर्च्यूनर में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, ठीक है, और ये आपको एकदम पूरा लेदर रैप्ड मिल जाता है। और आपको ऊपर में आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्लॉसी सा फिनिश मिल जाता है, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर में। और आपको लेफ्ट साइड में म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिया गया है, ठीक है, लाइक अ वॉइस कमांड, ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और आपको राइट साइड में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाता है। और गाइस आप ठीक उसके नीचे आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का भी इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस ये है फॉर्च्यूनर का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। इसमें आपको RPM मीटर और आपको बीच में एक स्मॉल MID मिल जाता है। और आपको राइट साइड में यहाँ पर इसका जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो काफ़ी क्लीन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, सब कुछ। और आपको यहाँ पर इसका हैजर्ड लाइट का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाइस ये है फॉर्च्यूनर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह का यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो भी काफ़ी स्मूथ, ठीक है, हाँ, ये एकदम पूरा यूज़ हो जाता है। इसमें आपको नॉर्मल जो ब्लूटूथ वगैरह है, ठीक है, वो तो इसमें आपको नॉर्मल मिलता ही है। और आपको नीचे यहाँ पर, ठीक है, और आपको नीचे यहाँ पर एकदम पूरा फुल ऑटोमेटिक कंट्रोल AC आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस आप ठीक उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको 4-व्हील ड्राइव का कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मिल जाता है। और आपको यहाँ पर हिल होल्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है, वेंटिलेटेड सीट्स का आपको यहाँ पर फंक्शन भी कंपनी ने ऑफर किया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और आपको इस साइड में यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, साइड में, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट। और आप यहाँ से USB को इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका USB का पोर्ट मिल जाता है। और यह है फॉर्च्यूनर का 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, विद क्रोम फिनिश। इसमें आपको, और गाइस इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दिया गया है। और आपको यहाँ पर इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस आपको नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको IMT का ऑप्शन दिया गया है और ट्रैक्शन ऑफ एंड रियर डिफरेंशियल लॉक आप वहाँ से इजीली कर पाओगे। और गाइस ये है फॉर्च्यूनर का ग्लोव बॉक्स। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, ठीक है, ऊपर में भी आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर का बैजिंग मिल जाता है, ठीक है, इसका जो अपर ग्लोव बॉक्स का जो बटन है, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ओवरऑल गाइस आपको एकदम पूरा ब्लैक एंड लाइट कॉफ़ी कलर में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर आपको JBL का एकदम पूरा म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है और आपको फॉर्च्यूनर में LED रीडिंग लाइट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है।
ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको एकदम पूरा अब वाइट एलईडी मिल जाता है, और आपको यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स भी दिया गया है। को-ड्राइवर साइड सनसेट विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर एंड अ लाइट, ड्राइवर साइड सनसेट विद अ वैनिटी मिरर एंड अ लाइट। और गाइज आप इसका जो ग्लास है, हाँ ठीक है, मतलब इसका जो मिरर है, ठीक है, वो आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर पाओगे। और आपको यहाँ पर एक स्टोरेज मिल जाता है, ठीक है, एक ग्लास होल्डर टाइप आपको यहाँ पर दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेयर बूट को आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। और आपको इस साइड से DEF का यहाँ पर आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और आपको नीचे से भी आपका इस यहाँ फ्यूल फिलर कैप एंड फ्रंट बोनट को आप नीचे से इजीली एक्सेस कर पाओगे। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो फीचर्स इसमें आपको बहुत सारे कंपनी ने ऑफर किया है। अभी हम लोग इसका सेकेंड रो देख लेते हैं। सो गाइस ये है इसका सेकेंड रो डोर, सेम लाइक द फ्रंट 3-tone, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और डोर में गाइस आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर का एक स्मॉल सा बैजिंग दिया गया है, ठीक है। रेयर के पावर विंडो के आपको यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है, डोर ओपनिंग हैंडल, और आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर का एक स्मॉल सा बैजिंग दिया गया है। और गाइस इसमें भी आपको पाउडर लैंप दिया गया है, और बॉटल होल्डर वगैरह तो आपको सभी डोर्स में आपको एकदम पूरा देखने के लिए मिल जाता है। और ये है गाइस फॉर्च्यूनर का रेयर। सीट्स का कंफर्ट आपको इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रेयर। LED लाइट आपको रेयर में भी कंपनी ने ऑफर किया है। और गाइस इनका जो ब्राइटनेस है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। रेयर के मतलब AC का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आप यहाँ से ईजीली कर पाओगे। और आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो ओवरऑल गाइस जो कंफर्ट है, ठीक है, रियर सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, नो डाउट काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक रिलीज टेल गेट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको आप की से भी इजीली एक्सेस कर पाओगे, एंड फ्रंट मतलब अंदर से, ठीक है, वहाँ पर भी आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको रिलीज कर पाओगे। और गाइस इसका थर्ड रो का जो सीट्स है वो आप ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका लगेज ज़्यादा है, हाँ, तो आप इसको ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो। और ये है गाइस इसका, ठीक है, हेडरेस्ट आप देख सकते हो, इसमें आपको ऑल 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और गाइस बूट का जो लाइट है, ठीक है, ये आपको नॉर्मल हैलोजन में मिल जाता है। और आपको यहाँ से इसका जो बूट है वो आप यहाँ से इजीली क्लोज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक स्मॉल सा बटन मिल जाता है, ठीक है, उससे सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है, ये आपको क्लोज ही होता है, ठीक है, वो जो बटन मिलता है। सो गाइस अभी मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ, जो सबसे रिलायबल इंजन है, ठीक है, 2.8 लीटर का जो इंजन आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर में, ठीक है, वो अभी मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। सो उससे पहले हम एक बार इसका फ्यूल लिट जो है, ठीक है, उसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाता है डीजल, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाइस इसका जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है वो बोनट के अंदर से, ठीक है, वहाँ से आप उसको रिफिल करा सकते हो। सो गाइस ये है इसका 2.8 लीटर 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन। इसमें आपको 204 PS का पावर मिल जाता है एंड 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। सो देख सकते हो, और गाइस इस इंजन से, ठीक है, आप 10-12 KMPL का माइलेज आप इससे निकाल पाओगे, ठीक है, अगर आप इस गाड़ी को एकदम पूरा बढ़िया से चलाते हो तो आपको ये 10-12 का दे देगा। इंजन आप देख सकते हो, काफ़ी नीट एंड क्लीन इंजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और आपको इंजन के ऊपर में भी टोयोटा का एक लोगो मिल जाता है, ठीक है। सो गाइस ये था फुल डिटेल रिव्यू ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 इन ब्लैक कलर। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। और गाइज अगर आपको फॉर्च्यूनर के और कोई भी वेरिएंट का रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को एक बार ज़रूर एक कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उस रिव्यू को कर दूंगा।